गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन। पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है और इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने उसको सोल्व किया। तो आज हम पढ़ने जाते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आपने पढ़ा कि आपका एक मॉलिक्यूल था और वो डिफरेंट आयंस में डिसोसिएट हो गया था। यहां पर आपके पास दो मॉलिक्यूल होंगे, तीन मॉलिक्यूल होंगे और वो कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना लेंगे बेटा। उसको आज पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वही होता है कि जो आयंस होते हैं वो क्या होंगे बेटा, कम से कम यहां पर एसोसिएट होंगे। ओके बेटा, क्योंकि वीक बोला है और यहां हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले, आपके पास दो मॉलिक्यूल है बेटा, किसके, एसिटिक एसिड। आपने उसको किसके अंदर डाल दिया, बेंजीन के अंदर डाल दिया और वो एसोसिएट होकर क्या बना लेंगे बेटा, एक ऐसे बना लेंगे, डाइमराइज हो जाएंगे। ओके बेटा, अब आप बात करते हैं एट टाइम टी जीरो पर, ये आपके क्या 100% है, यहां पर अभी एसोसिएशन नहीं हुआ है। क्लियर बेटा? तो एट टाइम टी पर क्या होगा कि आपके कुछ एक मॉलिक्यूल ही एसोसिएट हुए बेटा। कि यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की है तो कुछ एक मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए, मान लीजिए आपके कितने हुए 50 मॉलिक्यूल, तो उसको आप 100-50 लिख देंगे, 50 मॉलिक्यूल ही एसोसिएट हुए। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे कि आप देखिए क्या हुआ कि यहां पर दो मॉलिक्यूल्स थे तो दो मॉलिक्यूल से कितने बन गए, एक मॉलिक्यूल बना, मींस दो के आधे हो गए। यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स है आपके पास, 50 मॉलिक्यूल्स है, तो 50 का आधा क्या हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो बेटा कि यहां पर दो मॉलिक्यूल से दो का आधा आपको मिला है, एक बन गया। ओके बेटा, तो यहां पर 50 मॉलिक्यूल्स थे तो 50 का आधा क्या होगा आपका, 25। तो यहां पर आप निकालते हैं वैन टूफ फैक्टर। कैसे निकालते हैं, वैन टूफ फैक्टर होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर ऑब्जर्व कितने आपके पास, ये है ऑब्जर्व, ये कितने बेटा, 100-50 दैट इज 50, 50+25 ये हो गया आपके पास 75। थ्योरेटिकल कितनी आपने 100 ली थी, तो आपने यहां लिख दिया 100, आपका आंसर आ जाएगा 0.75। ओके बेटा, तो ये क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमेशा लेसर देन 1 होती है। क्लियर बेटा, ये लेसर देन 1 है तो आप ये ऐसे लिख देंगे। उसके बाद अगर आपको क्या निकालना हो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी आप अल्फा से, कई बुक्स में बीटा भी मिलेगा एंड सो ऑन, जो भी होगा तो उसको आप अल्फा से डिनोट करते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन मींस डिसोसिएट, सॉरी जो एसोसिएट आयंस है आपके वो डिवाइड बाय कितने लिए थे आपके, कितने एसोसिएट हुए यहां पर, 50, तो आप लिखेंगे 50 डिवाइड बाय कितने लिए थे आपके, 100। इज इट क्लियर बेटा, इससे एक आंसर 0.5, ये भी क्या होगी आपकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन लेसर देन 1 आएगी। क्लियर बेटा, अब एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिख देते हैं, उसको आगे कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे आप। जैसा ही आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में किया था बिल्कुल वैसा ही करते जाना है, तो थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। देखिए यहां पर जनरलाइज्ड इक्वेशन लिख रहे हैं हम, यस क्लियर बेटा। तो देखिए एट टाइम टी जीरो पर क्या हुआ, एक ही मॉलिक्यूल है आपका, अभी कोई एसोसिएशन ही स्टार्ट नहीं हुआ बेटा। जीरो एट टाइम टी जीरो पर क्या होगा कि 1-अल्फा, यहां पर क्या आया बेटा, हम यहां पर लिखते हैं कि अल्फा बाय एन आ गया। ये कैसे आया बेटा, यहां पर देखिए एक एन मॉलिक्यूल्स क्या बना रहा है बेटा, एक मॉलिक्यूल बना रहा है, आपने लिखा कि एन मॉलिक्यूल एक बना रहा है, एक क्या बनाएगा बेटा 1/n और अल्फा क्या बनाएगा आपका अल्फा बाय एन बनाएगा। तो इस तरीके से ये चीज आई है। क्लियर बेटा, अब आप इसका वैन टूफ फैक्टर निकालिए, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव 1-अल्फा प्लस में
अल्फा बाय एन ये है, डिवाइड में थ्योरेटिकल कितनी है 1, ये चीज आ गई। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे। ओके बेटा, इसको ऐसे लिख देंगे आई 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन बराबर क्लियर। आप क्या करेंगे, ये जो प्लस वाली टर्म इसको आप नहीं रखे, इसको इधर ले लीजिए। देखिए क्या होगा, आपके पास कुछ ऐसे है 1 माइनस आई अल्फा प्लस अल्फा बाय एन ऐसे आ जाएगा। अब आप क्या करते हैं, इस अल्फा को यहां पर कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा आपके पास 1 प्लस 1 बाय एन क्लियर। तो ये क्या आपके पास ऐसे 1 बाय 1 माइनस आई। तो आगे सोल्व करते हैं इसको, क्या आएगा आपका, तो देखिए 1 माइनस आई अल्फा इसको को एलसीएम लेंगे, आपके पास कुछ इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। ये इक्वेशन आई है बेटा आपके पास। अब इसको इधर लेके जाएंगे आप, क्या है आपके पास अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको ऐसे कीजिए ये एन प्लस वन। ओके बेटा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एन वन प्लस एन, ये क्लियर बेटा। तो ये क्या है आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके बेटा, तो ये डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में आ जाती है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल के दिखाइए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल के दिखाइए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेटा आज आपका ये चैप्टर सॉल्यूशन का बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बेटा। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा कि जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े इस चैप्टर में वो सभी आपको याद होने चाहिए, और उनके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल आपसे सोल्व वो ज्यादा से ज्यादा कीजिए बेटा। क्लियर, जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उतनी प्रॉब्लम आपकी ज्यादा से ज्यादा सोल्व होगी। ओके बेटा, आशा करते हैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू।